श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्री। श्री गोपाल भार्गव का जन्म 1 जुलाई 1952 को मध्य प्रदेश के रेहली जिला सागर में हुआ। श्री गोपाल भार्गव ने विज्ञान में स्नातक और LLB की शिक्षा प्राप्त की। श्री भार्गव युवावस्था से ही सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। उन्होंने मजदूरों, किसानों, बीड़ी कामगारों के लिए विभिन्न गतिविधियों और आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। वह कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं। संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी श्री भार्गव को कई बार राजनीतिक आंदोलनों के फलस्वरूप जेल भी जाना पड़ा। श्री भार्गव के राजनीतिक सफर पर एक नजर। श्री गोपाल भार्गव वर्ष 1982 से 1984 तक नगर पालिका गड़ाकोटा के अध्यक्ष रहे। श्री भार्गव 1985 में विधानसभा सदस्य चुने गए और निरंतर विधानसभा के सदस्य हैं। श्री भार्गव को 8 दिसंबर 2003 को सुश्री उमा भारती के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह मिली। 1 जुलाई 2004 को भार्गव को कृषि एवं सहकारिता विभाग का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 27 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में श्री भार्गव को मंत्री के रूप में शामिल किया गया। 4 दिसंबर 2005 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। श्री गोपाल भार्गव को कृषि और सहकारिता विभाग का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। दिसंबर 2008 में संपन्न विधानसभा चुनाव में 6वीं बार रेहली विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। 20 दिसंबर 2008 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में जगह मिली। श्री गोपाल भार्गव वर्ष 2013 में दोबारा रेहली विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने 21 दिसंबर 2013 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इसमें फिलहाल इतना ही। और मंत्रियों की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।